नमस्कार एवरीवन, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हो आप? यहाँ पर जो है बच्चे कर रहे हैं मस्ती, अभी शाम के बाद में अपना टी बनाकर पीने ही वाली थी, तो यहाँ पर शुरू हो गया है मस्ती टाइम। जैन को अभी बहुत ज्यादा मस्ती पसंद है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर हम सुन रहे थे शाहरुख के हिट सॉन्ग्स, जियाना को। जियाना ने चेन्नई एक्सप्रेस देखा था मेरे साथ शाहरुख का, एंड आफ्टर दैट फील लाइक शाहरुख फैन। अभी मेरे ब्लैक टी पी है जस्ट, और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अभी दूध ख़त्म हो चुका है, तो ग्रॉसरी का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन ग्रॉसरीज का स्लॉट जो है वो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो वैसे बच्चों के लिए पाउडर मिल्क है, बट फिर भी देखते हैं, दूध ऑर्डर करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो बाहर का वेदर कैसा है, काफ़ी क्लाउडी है, बारिश का मौसम है, बट इतना ठंड नहीं है। मैं काफ़ी परेशान हूँ, राज को इमरजेंसी हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हेल्प के लिए बुलाया गया है, और जब भी वो हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत ही एक डर लगा रहता है। और वैसे भी वो अभी बच्चों को बता कर गए कि मतलब मुझसे दूर रहो आने के बाद। आने के बाद वो शॉवर लेते हैं, कपड़े पूरे चेंज करते हैं, शूज़ वगैरह जो है गैराज में ही निकालते हैं। मतलब हम लोग सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बट ये जो हॉस्पिटल वाला जॉब है, हैट्स ऑफ, क्योंकि डॉक्टर्स नर्सेस जो भी है फ्रंट लाइन वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स को हेल्प कर रहे हैं, और जो डिलीवरी मैन जो है वो जो मेल डिलीवरी कर रहे हैं या ग्रॉसरीज डिलीवरी कर रहे हैं, सब कोई मतलब दे आर वर्किंग रियली रियली हार्ड फॉर ऑल ऑफ अस। तो सैल्यूट टू देम, हैट्स ऑफ। और जब भी राज जाते हैं हॉस्पिटल, तो हमारा जो स्पेशली मेरा, बच्चों को तो अभी इतना समझ में नहीं आता है, मेरा तो ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है इतना सोच सोच के। स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि डैड से दूर रहना है। वो बता कर जाते हैं कि अभी मुझसे दूर रहो। अभी देखते हैं हॉस्पिटल में कैसे पेशेंट्स थे, मे बी इफ इट्स पॉजिटिव पेशेंट अगर होंगे तो उनको हमें क्वारंटाइन करना पड़ेगा एक रूम में, वहीं पे मुझे सब उनका खाना पीना जो है देना पड़ेगा और बच्चों को दूर रखना पड़ेगा। थैंकफुली ग्रेटफुली ये जो घर है लाइक थ्री लेयर्स में है, लाइक नीचे बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर तो और सेकेंड फ्लोर, बड़ा घर होने की वजह से एक रूम में उनको जहाँ पे बाथरूम है अटैच आइसोलेट करके रख सकते हैं और बच्चों को उनसे दूर रखा जा सकता है। बट जो लोग आई वॉज थिंकिंग अबाउट, जिन लोगों के पास बड़ा घर नहीं है और जिन लोगों के पास काफ़ी कम जगह है, जैसे मैं यूट्यूब में एक वीडियो देख रही थी धारावी का स्लम का, तो इट्स हाईली इम्पॉसिबल फॉर देम टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस। सो मैं सोशल डिस्टेंस नहीं कहूँगी क्योंकि सोशली हम लोग नेटवर्किंग कर पा रहे हैं थ्रू ऑल दिस डिजिटल वर्ल्ड, बट फिजिकल डिस्टेंस करना काफ़ी जो है इम्पॉसिबल होता है। और हमारे यहाँ पे लकीली ग्रेटफुली थैंकफुली हमारे पास यार्ड भी है बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए काफ़ी जगह है। बट अभी एक ही स्ट्रेस है जो है वो राज का ये हॉस्पिटल का जॉब, जहाँ उन्हें पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, पेशेंट्स देख कर आने के बाद सब कुछ प्रिकॉशंस लेकर भी डर लगा रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये तलवार लटकी हुई है सर पर, आई डोंट नो ये सब कब ख़त्म होगा। और ये पूरा हमारा जो वर्ल्ड है, पूरा जो ग्लोब है, अर्थ है,
ये ठीक हो जाए, हम लोग सब बैक टू न्यू नॉर्मल आ जाए। अभी नॉर्मल तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी न्यू नॉर्मल ही कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओपन भी हुआ और वैक्सीनेशन तैयार हुआ, आई डोंट नो वैक्सीनेशन तो आई थिंक इट विल टेक वन मोर ईयर फॉर द वैक्सीनेशन। अभी टेस्टिंग किट्स जो है काफ़ी अवेलेबल है बता रहे हैं, बट फिर भी US इज़ लाइक ओ माय गॉड नंबर वन, हर चीज़ में नंबर वन, इसमें भी नंबर वन। और पता नहीं लोगों का क्या मैंटेलिटी है, दे आर नॉट अग्रीइंग टू स्टे एट होम, उन्हें जाना है बाहर। आई डोंट नो क्या रिस्क है ये, और अगर वो रिस्क ले रहे हैं तो उनकी वजह से लोड आता है हॉस्पिटल्स पर, डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर, सब फ्रंटलाइन वर्कर्स पर। जो इट्स नॉट ओनली डॉक्टर्स और नर्सेस, जो हॉस्पिटल सैनिटाइज करते हैं, क्लीनर्स, हेल्पर्स, एवरीबडी, लाइक राज का तो मेंटल हेल्थ का जॉब है, उनके ऊपर भी मतलब लाइक पेशेंट्स, उनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है, लाइक मेंटल स्ट्रेन आता है उनके ऊपर। देन ही हैव टू गो आउट एंड हेल्प, एंड वो भी आकर उनके दिमाग में हमेशा लगा रहता है कि मेरी वजह से कहीं मेरी फैमिली, मेरे बच्चे जो है उनको कुछ हो ना जाए। हर किसी को, काफ़ी सारे डॉक्टर्स तो हॉस्पिटल में ही टेंट लगाकर वहाँ पे ही रुक रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू कम होम विथ समथिंग विच दे कैन, मतलब बहुत ही डेंजर है कि घर पर अपने फैमिली को ट्रांसफ़र, या और इतना गंदा है ये कि छूने से भी, आई डोंट नो लाइक कितना हम लोग प्रिकॉशंस लेंगे। सब्जियाँ विनेगर बेकिंग सोडा में वॉश कर रहे हैं, सब कुछ प्लास्टिक्स के जो ग्रॉसरीज है, पाउचेस है, सब कुछ सोप वाटर से वॉश कर रहे हैं, ब्लीच कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। कब ख़त्म होगा ये? इट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। तो आपको क्या लगता है इस पर, आप मुझे बताइए। और मैं इसके आगे पता नहीं, आज वीडियो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बच्चों को मुझे सेफ रखना है, उनसे दूर रखना है, उन्हें एक रूम में क्वारंटाइन करना है। बहुत ही स्ट्रेसफुल है ये सब। तो यही है आज का मेरा व्लॉग। पता नहीं अभी मैं नेक्स्ट जो है वीडियो कर पाऊँगी। काफ़ी डल और क्लाउडी मौसम है। क्या बताया है डैडी ने आपको? बोला कि मेरे पापा बोला क्या, don't stay close to him, don't go in his room and sleep with him. And when I have nightmares, I usually go in his room, but he said no, don't do it. So I'm not. And anyways, I sleep in my own room. You saw my video. We're gonna do that video of my room tour. And it's so sad. I don't like it. And he also said, listen to mommy when I'm gone and be good. So Triana doesn't like it when dad asks her to stay away from her room because night times. And daddy's gone, and I love my daddy so. Mm-hmm. And night times जब उसे nightmare आते हैं तो वो जाती है daddy के पास cozy होने के लिए. And it's more comfortable. Yeah, she's comfortable with her dad. But dad ने बोल दिया है कि अब मैं hospital से आऊँगा तो I don't want you to come close and to me. And dad made me sad too. और आपको कुछ कहना है? Dad, Buddha. पटा 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 पटा। तो मैंने बनाया था आज चिकन करी और तो मैंने बनाया था आज चिकन करी बनाया है एक्चुअली, बट वो जो चिकन है इतना फ्रेश नहीं लगा मुझे। अगर आप भी
आपने भी चिकन ऑर्डर किया है और पता नहीं नहीं लगा, बच्चों ने भी नहीं खाया वो चिकन, इतना ग्रेवी ही खाई और राइस खाया। तो अब मैंने उनके लिए अंडी एग्स जो है वो बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जस्ट ग्रेवी और राइस खाया। तो अभी मैं रात में उनको ग्रेवी में एग्स डाल के एक एक रोटी बना के दे दूंगी। नो टचिंग बेबी। हाय प्रिंसेस। तो अब हम वेट कर रहे हैं डैडी का घर आने का। डैडी का सब सामान मुझे गैराज में रखना है और तो उसका मुझे काफ़ी स्ट्रेस आ चुका है। मैं डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ खुद को ये व्लॉग बनाकर और आपके साथ शेयर कर और ये न्यूज़ अभी जस्ट जेंट ने रिमोट प्रेस किया तो न्यूज़ चैनल लग गया है टीवी पर। तो न्यूज़ देख कर भी काफ़ी टेंशन आता है, मतलब लाइक अगर जितना न्यूज़ देखो ना उतना टेंशन बढ़ता है। तो जस्ट अभी प्रे करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर टेकिंग आउट टाइम टू वॉच आवर वीडियोज। काइंडली लाइक आवर वीडियोज, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जियाना वॉट जियाना जेनला काहीतरी पाहिजे दे। आस्ता ला विस्ता गाइज, बाय बाय।